सोच के देखो दोस्तों, एक बैटरी वाली गाड़ी जिसके अंदर उसकी बैटरी लगी हुई है उसकी डिक्की के अंदर, और उसमें आपको रेंज मिल जाए 1700 किलोमीटर की, और जब कभी भी आपकी गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाए, डाउन हो जाए, सीधा उसको आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे लेकर जाओ और वहां पे वो बैटरी निकालो और नई बैटरी डालो, और बैटरी का वजन अपने आप में इतना हल्का कि एक छोटा बच्चा भी उस बैटरी को निकाल के बदल दे, सुनने में ना ये चीज ऐसी लग रही है जिस पे विश्वास नहीं होता, मगर इंडिया के अंदर ही इंडियन ऑयल कोलैबोरेट कर रहा है कंपनी के साथ एल्यूमिनियम एयर बैटरीज बनाने के लिए, और इन फ्यूचर शायद हम आने वाली ईवीज में महिंद्रा की हो या फिर अशोक लेलैंड की हो या फिर वो टाटा की हो, हम ये वाली बैटरीज को देख सकें। तो क्या है दोस्तों ये मेटल एयर बैटरी, और इंडिया में इंडियन ऑयल किस तरीके से इनको लॉन्च करने वाला है, और सबसे जरूरी चीज ये बैटरी लिथियम बैटरी से कैसे अलग है, और ये बैटरी हमें कैसे प्रोवाइड कर सकती है 1700 किलोमीटर की रेंज, आइए जानते हैं आज की सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो में। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले वो कर लो, फिर हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से 2016 में ईवीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का मार्केट था $2 मिलियन का, और जो 2020 में बढ़ के हो गया $10 मिलियन का, और ये आने वाले समय में और भी ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। बट अभी भी ईवीज में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो लोग ईवी इस समय पे चला रहे हैं वो लोगों ने भी ये चीज फील करी होगी। सबसे पहली चीज होती है दोस्तों ईवी चलाने वाले के दिल में रेंज एंजाइटी, कहीं मेरे ईवी की चार्जिंग खत्म ना हो जाए, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा भी पाएगी कि नहीं, ये सब एंजाइटी को बोला जाता है दोस्तों रेंज एंजाइटी। और इसी के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर एक ईवी ओनर के दिमाग में रहता है वो रहता है बैटरी की लाइफ, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल में सबसे ज्यादा महंगा पार्ट होता है उसकी बैटरी। तो एक ईवी ओनर के दिमाग में दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है, यार इसकी बैटरी 4-5 साल चलेगी, 8 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, कितना चलेगी। और तीसरा एक कॉन्टिन्यूस रिस्क उसके दिमाग में रहता है बैटरी की लीकेज का, कि कहीं ये बैटरी लीक कर गई और गाड़ी में आग लग गई तो क्या होगा। और यही सब जो लिथियम आयन के ड्रॉबैक्स हैं, यही एक विंडो देते हैं नई बैटरी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी की, और इसीलिए एल्यूमिनियम एयर बैटरीज पर रिसर्च चल रही है, और ये रिसर्च सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर चल रही है इन कंपैरिजन टू एनी अदर कंट्री। वैसे तो एल्युमिनियम एयर बैटरीज की शुरुआत होती है 1960 से, बट 1960 से लेके करंट ईयर तक इसमें ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। 2001 में एक्स नेवी ऑफिसर थे जिन्होंने इस चीज पे काम करना चालू करा, और उन्होंने क्लेम करा कि एल्युमिनियम एयर बैटरी से एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाया जा सकता है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक की हो सकती है। अब बेसिकली एल्युमिनियम एयर बैटरी काम कैसे करती है, और लिथियम से पहले इस चीज पे काम क्यों नहीं करा गया जबकि ये इतनी अच्छी रेंज दे सकती है। तो एल्युमिनियम एयर बैटरी के अंदर बेसिकली एक साइड में आपकी एक एल्युमिनियम एलॉय की प्लेट होती है, उसके बीच में एल्युमिनियम एलॉय की प्लेट के बाद आपका वाटर सॉल्यूशन होता है या फिर आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, और इसके बाद में इसमें एक और लेयर होती है जो कि परफोरेटेड होती है, और इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और इसी के साथ साथ ये कैटलिस्ट का भी काम करती है। तो एयर प्लस कैटलिस्ट इसको कैथोड बनाता है, और जो एल्युमिनियम प्लेट दूसरी साइड में थी वो एनोड हो जाती है। तो केवल इन तीन लेयर से ये वाली बैटरी बनी होती है। अब इसकी वर्किंग मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है, जिस साइड में परफोरेटेड प्लेट होती है उस साइड से एयर को सक इन किया जाता है, तो जब एयर अंदर आती है परफोरेटेड प्लेट से जो कि हमारा कैथोड है, तो जो कैथोड होता है वो एक नेगेटिव टर्मिनल का भी काम करता है, वो परफोरेटेड शीट नेगेटिव टर्मिनल है, तो वहां से एयर सक इन होती है। अब इसी कैथोड के अंदर सिल्वर का यूज होता है जो कि एयर से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं रोक देता है और ऑक्सीजन को पास ऑन कर देता है। अब जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आती है तो अंदर ऑक्सीजन को मिलता है पानी, जिससे कि एक एंबिएंट एटमॉस्फेयर में वो पानी से रिएक्ट करती है और नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस बन जाते हैं, और ऑक्सीजन जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है वो एल्यूमिनियम तक पहुंच जाती है, और जैसे ही ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से मिलती है तो वहां पे एक रिएक्शन चालू होता है जिससे एक सफेद पाउडर बनता है जिसको बोला जाएगा एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड, और इसी के साथ एल्यूमिनियम यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चालू कर देता है। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिकल बल्ब लेते हो और उसको एल्यूमिनियम की प्लेट से कनेक्ट करते हो और उसी के साथ साथ उसको कैथोड से कनेक्ट करते हो, तो वो इलेक्ट्रिकल बल्ब ग्लो करने लगेगा क्योंकि यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि चैनलाइज हो जाएंगे। अब एक चीज सामने आती है कि इंडिया ही एल्युमिनियम एयर बैटरीज में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है,
क्योंकि इंडिया के पास ही है बॉक्साइट के सबसे ज्यादा रिसोर्सेज जिससे एल्यूमिनियम बनता है, और इसी के साथ साथ ग्लोबली भी एल्यूमिनियम एक बहुत अबंडेंट मटेरियल है जो कि लाइटवेट होने के साथ साथ इजी टू रिसाइकिल है। तो ये वाली बैटरीज आपकी गाड़ी को हल्का बनाने के साथ साथ उस बैटरी को रिसाइकिल करना भी अपने आप में बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी वजह से इंडियन ऑयल ने कोलैबोरेट करा है फिनर्जी के साथ में, और ये दोनों कंपनीज मिलके इस एल्यूमिनियम एयर बैटरीज पे काम कर रही हैं। मगर अभी भी इस एल्यूमिनियम एयर बैटरीज के दो सबसे बड़े ड्रॉबैक्स आते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो इन बैटरीज के साथ में है वो है इनमें सिल्वर का इस्तेमाल। ऑल्दो एल्यूमिनियम अपने आप में निकल और लिथियम दोनों से बहुत सस्ता है, बट सिल्वर इन बैटरीज की प्राइसिंग को काफी बढ़ा देता है। और दूसरा एक बहुत ही छोटा सा ड्रॉबैक इन बैटरीज के साथ में है कि ये वाली बैटरीज नॉन रिचार्जेबल है, क्योंकि इन वाली बैटरीज के अंदर जो प्रेजेंट एल्यूमिनियम है एक बार उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया तो वो एल्यूमिनियम कंप्लीटली खत्म हो जाता है, फिर उस एल्यूमिनियम को रिप्लेस करना पड़ता है और ये बैटरी को एक नए सिरे से बनाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे इंडियन ऑयल का जो आइडिया है कि ये वाली बैटरीज को आप इंडियन ऑयल के रिफिलिंग स्टेशन पे लाओ और विद इन लेस देन 3 मिनट्स ये वाली बैटरीज को रिप्लेस कर दिया जाएगा और आपकी गाड़ी फिर से चलने के लिए तैयार हो जाएगी। और इसमें एक इन्होंने रिसर्च भी करी थी जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल ईवी के अंदर इन्होंने इस बैटरी को इंस्टॉल करा था और ये वाली बैटरी ने उस गाड़ी की एग्जिस्टिंग लिथियम बैटरी को चार्ज करा था, और इससे आपको जान के हैरानी होगी उस वाली गाड़ी की रेंज बढ़ गई थी 1700 किलोमीटर तक की। और ये वाली जो रिसर्च है इंडियन ऑयल की अभी भी चल रही है महिंद्रा, मारुति सुजुकी और अशोक लेलैंड के साथ में, और ये इनका कंप्लीट रिसर्च का पीरियड है 1 साल का, जिसमें ये इस बैटरी की फिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे कि क्या ये बैटरी फिजिबल है करंट इंडियन मार्केट में ईवीज के लिए। और अगर ये वाली रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती है तो इंडियन ऑयल फिनर्जी के साथ में मिलके इंडिया के अंदर ही एक गीगावाट स्केल का प्रोडक्शन यूनिट बनाएगा। मगर यही दो दिक्कतें इसकी सबसे बड़ी दिक्कत नहीं है, इसकी तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों इसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेडेशन। जहां आप एक लिथियम बैटरी को चार्ज करके छोड़ोगे तो 1 महीने में वो केवल 5% ही डिग्रेड होगी, मगर ये वाली बैटरी 85% तक डिग्रेड हो जाएगी क्योंकि एल्यूमिनियम का कॉन्टिन्यूस रिएक्शन तो चलता ही रहेगा। तो इसी के लिए कुछ वाइबल सॉल्यूशन लोगों ने सजेस्ट करे थे, जिसमें से कि एक सॉल्यूशन था कि जो इसके अंदर वाटर है उसको आप ड्रेन आउट कर दो अगर आपकी बैटरी इस्तेमाल में नहीं आ रही है तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन रुक जाएगा। मगर अगर हम उस लिक्विड को ड्रेन आउट कर देते हैं तो ये चांसेस हैं कि वो वाले लिक्विड के अंदर प्रेजेंट व्हाइट पाउडर वाटर पाइप को क्लॉग भी कर सकता है। तो इसी के लिए MIT के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक आइडिया निकाला जिसमें उन्होंने इस्तेमाल करा ऑयल का जिसको आप पंप आउट कर सकते हो और वो आपके पाइपलाइन को क्लॉग भी नहीं करेगा, जिससे कि इस वाली बैटरी का जो लाइफ साइकिल है स्टेशनरी रहते हुए वो भी लंबे समय तक टिक पाएगा। एल्यूमिनियम एयर बैटरीज का फ्यूचर इंडिया में मुझे तो काफी ब्राइट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी कंपनीज भी इस चीज में इंटरेस्ट ले रही है और उसी के साथ साथ वो कोलैबोरेट कर रही है महिंद्रा, मारुति, अशोक लेलैंड जैसे बड़े नामों के साथ में। मगर एक और बैटरी टाइप है जिसको विदेश की बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं और वो है लिक्विड बैटरी। ये वाली बैटरी रेगुलर फ्यूल की तरह आपकी गाड़ी में डाली जा सकती है और गाड़ी की रेंज को बढ़ाया जा सकता है। हमने इस चीज पे कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाई है, अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हो तो उस वाली वीडियो के हाइलाइट्स ये रहे। दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बैटरी चार्जिंग की समस्या होने वाली है खत्म, जैसे हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डालते हैं वैसे ही हम लिक्विड बैटरी गाड़ियों में डाल सकते हैं और ये डीजल और पेट्रोल डालने से भी जल्दी हो जाएगा। और यही नहीं दोस्तों, इससे आपकी कार को रेंज मिलेगी 10,000 किलोमीटर तक की।